मैगजीन इस पर आपके साथ मैं आदित्य त्यागी। पांच राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान होने के साथ ही एक नई बहस छिड़ चुकी है और ये बहस है डिजिटल प्रचार को लेकर। दरअसल चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली रोड शो पर रोक लगा दी है और पार्टियों से कहा है डिजिटल प्रचार करने को। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और कहा है इसका फायदा बड़े दलों को होगा और नुकसान छोटे दलों को होगा। इसीलिए तालथुक के स्पेशल एडिशन में हम ये पूछ रहे हैं, क्या डिजिटल प्रचार से तय होगी जीत और हार? डिजिटल प्रचार से परेशानी किसे? वर्चुअल वॉर में क्या छोटे दलों को इसका नुकसान होगा? डिजिटल फाइट से क्या ये तस्वीर बदल जाएगी? एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नलिन कोहली हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए गजेंद्र साखला, पवन राव अंबेडकर स्पोक्स पर्सन है AIMIM यूपी के, और डॉक्टर अजीज खान स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अजीज खान आप ही से है, क्यों इतनी चिंता, क्यों इतनी टेंशन, क्या ये जीत और हार का फर्क साबित होगा? देखिए अदिति जी, ये चिंता नहीं है क्योंकि जो चुनाव होता है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक लोकतंत्र का जश्न मनाने का एक पर्व है और इस पर्व में अगर दखल हो जाए, खलल हो जाए तो तकलीफ होती है। जो हमारे नेता ने जो चिंता जाहिर की, उनका चिंता बहुत ही जायज है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि बीजेपी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आईटी सेल है, उस पर वो बहुत पैसा खर्च करती है। उसके पास बहुत पैसा है, शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके पास बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो पैसे को फाइनेंस करते हैं, आपको भी यह पता है। डेफिनेटली आप देख रही हैं, जब डिजिटल चुनाव नहीं था उसके पहले तमाम हेट स्पीचेस वीडियो वायरल कराए जाते थे, तमाम तरीके के मामले पैदा किए जा रहे थे कि ताकि आपस में जो दूरियां बढ़े लोगों में, वैमनस्यता पैदा हो और लोगों के बीच में दूरियां पैदा करके कहीं ना कहीं उसका यह फायदा लेना चाह रहे थे। आज जब डिजिटल चुनाव होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिनका आईटी सेल है वो मैनिपुलेट करके तमाम हेट स्पीच को लोड करेगा, तमाम तरीके के वीडियो को वायरल करेगा। हमारी सिर्फ चुनाव आयोग से मांग है कि इस तरीके के जो वीडियो वायरल किए जाए हेट स्पीच के, जो कम्नल चीजें वो वायरल की जाए। समझ नहीं आ रहा आपको हेट स्पीच को लेकर डर लग रहा है, आपको उनकी बड़ी टीम को लेकर डर लग रहा है, आप ये कहते हैं इनके पास रिसोर्सेज हैं, एग्जैक्टली आपको किस बात से डर लग रहा है उसको लेकर क्लैरिटी नहीं, लेकिन आपने सवाल उठाया। तो नलिन कोहली जी, बीजेपी के पास एक बड़ी मशीनरी है, बीजेपी के पास एक आईटी सेल है, आपके विरोधी कह रहे हैं आपके पास एक सर्टेन एडवांटेज है, आपको फायदा होगा। अदिति जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अमर प्रेम का गाना इन पे पूरा लागू है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं हैरान हूं कि हम डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं, डिजिटल इंडिया की बात पिछले दशक से हो रही है, मोदी जी ने उसे आगे पूरे देश के लिए बढ़ाया। मोदी जी तो सोशल मीडिया का प्रयोग 2014 के चुनाव से पहले कर रहे हैं, अखिलेश जी तो विदेश भी पड़े हैं, पिछली बार इन्होंने लैपटॉप दिए थे, इस बार भी लैपटॉप देने का वादा कर रहे हैं, तो ये डिजिटल वर्क से भाग क्यों रहे हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कहना। कौन सी मशीनरी, क्या किसी ने रोका है आपको डिजिटल प्रोग्राम्स करने से? हम तो पिछले 10 साल से कर रहे हैं, मोदी जी जब से आए हैं गुजरात के समय से, और फिर देश में लगातार डिजिटल प्रयोग हो रहा है। तो क्या आप सो रहे थे क्या, कुंभकर्ण की नींद? ये डिजिटल जो दिख रहा है, विश्व जो है डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, उसमें आप लोग अगर जुड़ना नहीं चाहते तो इसमें चुनाव आयोग की क्या गलती, इसमें हमारी बीजेपी की क्या गलती? सब आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले फिर आपको फ्लो दूंगे वापस। डॉक्टर अजीज खान, तो बातें देखिए आदित्य जी, देखिए तकलीफ मुझे नहीं है, तकलीफ क्यों है कि लगातार झूठे विज्ञापन उत्तर प्रदेश के बारे में किए जा रहे हैं, तमाम पोस्टर लगाए गए, टेलीविजन पे विज्ञापन चला। आप इस बात को भी समझिए, बीजेपी झूठ बोलने की मशीन है, मशीन, ये क्रिएटिव लोग हैं, ये झूठ बोलने का ये इनके पास पूरा सर्टिफिकेट है, इसलिए चिंता का विषय है। नहीं डॉक्टर अजीज खान, आप लगातार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं सर, आप लगातार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, पहले आप कह रहे बीजेपी की आईटी टीम, फिर आपने कहा इनके पास स्पॉन्सर और रिसोर्सेज, फिर आपने कहा वैमनस्य की स्पीच, झूठा प्रचार, अब आप आ गए झूठे प्रचार पर। सर वो बड़ी बड़ी रैलियां तो आप डिजिटल पर ही दिखा रहे थे कि कैसे आपकी रैलियों में, आपकी यात्राओं में कैसे बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। सर वो तो वो प्रमोशन तो आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही कर रहे थे डॉक्टर अजीज खान,
आप अपने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर रहे थे ना, आपके चैनलों पे भी विज्ञापन किस कदर चला है लंबा सर। आप अब चैनल पर आ गए सर, पहले डिसाइड तो कीजिए, डिसाइड तो कीजिए भाई। आप झूठ बोलते हैं नलिन कोहली, आपकी पार्टी झूठ बहुत बोलती है, झूठे लोग हैं ये। हाँ आप लोग आप झूठ बोलते हैं, आपके विरोधी कह रहे हैं आप झूठ बोलते हैं, और डिजिटल प्रचार में भी आप इसका झूठ बोलकर ही फायदा उठा लेंगे। आदित्य जी, ये वही व्यक्ति ऐसा आरोप लगा सकता है जो जनता को बेवकूफ समझता है। जनता बेवकूफ है क्या? जनता ही जनार्दन है, जनता जानती है किसको वोट देना है, जनता काम को पहचानती है, अपना मन बनाती है और सोच समझ के वोट देती है। आप उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के आपका अपमान कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि कुछ भी हमको कह दिया जाएगा लाइन वो मान जाएंगे? उत्तर प्रदेश जो है इसीलिए तो मुझे इत्मीनान है। डॉक्टर अजीज खान, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, डॉक्टर अजीज खान उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज। नलिन कोहली खत्म करूं। और जहां तक डिजिटल की बात करें, 2014 में आदित्य जी याद रखेंगे, मोदी जी प्रचार भी कर रहे थे, डिजिटल का प्रयोग भी कर रहे थे। होलोग्राम के आधार पे उन्होंने किया था अपना, 3D इमेजिंग के आधार पे किया था चाय पे चर्चा, पूरे देश ने देखा था। इस बात को 7 साल हो गए, अखिलेश जी एक युवा नेता है, विदेश में पढ़ के आए हैं, वो तो समझते ही होंगे कि डिजिटल का कैसे प्रयोग करें। क्या समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी फेसबुक पे नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी कोई डिजिटल काम नहीं करती है? तो इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं जब ये सारी चीजें खुद करते हैं? और झूठ 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 इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? शोभा नहीं देती किसी दल को जो अपने आप को मानती है कि वो चुनौती देना चाहती है। ऐसे शब्द उन्हीं पार्टी से आते जो चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। ठीक है, पवन राव अंबेडकर, नलिन कोहली ये कह रहे हैं कि आज ऐसी एज में हम रहते हैं, डिजिटल एज में हम रहते हैं, जो सभी पार्टियां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हैं, वैसे साहब भी बड़े लेवल पर इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहे हैं क्या अभी से ही बाहर के बहाने तो ढूंढने नहीं शुरू कर दिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नलिन साहब जो है गीत संगीत पर पड़े हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है छोटे दलों का जो है राज्य है, छोटे दल जो लोगों से जुड़े होते हैं, वो लोग जो इस देश में गरीबी के साथ जुड़े हुए हैं। हम ये कह रहे हैं डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है क्या उन लोगों तक पहुंचा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं फैक्ट एंड फिगर्स को लेकर के बात करूंगा। नीति आयोग कहता है कि आउट ऑफ 100 पीपल्स में ओनली 39 सब्सक्राइबर्स हैं उत्तर प्रदेश में, और NSS कहता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे कहता है कि ओनली 4% जो कंप्यूटर्स हैं उत्तर प्रदेश के घरों में पहुंचे हुए हैं। तो डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें, मोदी साहब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिजिटल इंडिया फेल है। रीजन इसका है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो चला था उसके तहत ये कहा गया था कि हम देश भर में करीब करीब 40% जो है डिजिटलाइजेशन करेंगे ताकि लोगों तक जो है ये चीज़ आपकी पहुंचे। पार्टी की क्या आपत्तियां हैं, आप मुझे स्ट्रेट क्लियर टर्म्स में बताएं ताकि मैं उस पर जवाब लूं। नहीं, हमारी आपत्तियां ये हैं कि इनका जो डिजिटल जो मिशन रहा है वो फेल होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस जारी की है उन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। क्या संसाधन है जो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं, बिना इलेक्ट्रिक के उत्तर प्रदेश में क्या डिजिटल का कॉन्सेप्ट जो है क्या हो सकता है कंप्लीट? हम इसकी बात करते हैं। हम जो छोटे दल हैं, जो नए दल आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, क्या वो जनता तक पहुंच पाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। नलिन जी को ये लगता है कि चीजें जो है गाने बजाने से, नलिन जी को एक सवाल का जवाब और देना चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कि क्यों नहीं बात करते हैं? इन द नेम ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश में सबसे बड़ा जो है स्कैम हुआ जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। सर, अब आपने आप ट्रैक चेंज कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ आज मुद्दे पर डिबेट आप कर रहे हैं तो सर मुद्दे पर करिए, आप मुद्दे पर डिबेट कीजिए। अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर चले गए सर, डिजिटल प्रचार से इलेक्टोरल बॉन्ड पर चले गए। एक सेकंड, नलिन कोहली, जिनके पास धन दौलत है वो पार्टियां क्यों विरोध नहीं कर रही? आज केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए ना सर, जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, अम्बेडकर जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। नलिन कोहली प्लीज एक सेकंड, दो बातें वो कह रहे हैं, आप सुन लीजिए मेरा सवाल। और एक तो उन्होंने कहा डिजिटल इंडिया एक जुमला है नलिन जी, पेनिट्रेशन की, इंटरनेट पेनिट्रेशन को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। दूसरा उनका सवाल है जो पार्टियां छोटी हैं, नलिन जी आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज जी जी। और दूसरा उनका सवाल है जो पार्टियां छोटी हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो क्या करें? मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात अदिति जी,
कि आज देश में लगभग ऐसे 90 से 100 करोड़ लोग हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है या तो मोबाइल फोन के आधार पे या नलिन जी अंबेडकर जी आप जब बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, नहीं आप जब बोल रहे थे तो उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज एक बार में एक पैनलिस्ट की आवाज, टाइम होता है कब, नलिन कोहली की आवाज, अभी नलिन कोहली की आवाज, मैं वापस इन्हें काउंटर करने का मौका दूंगी, प्लीज जी। तो पहली बात, आज देश के 90 करोड़ से 100 करोड़ लोग हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है स्मार्टफोन के आधार पे या दूसरे रूप से। अब उत्तर प्रदेश में अगर राज्यों से देखें सबसे बड़ा प्रदेश है और उस राज्य के अंदर में अधिकांश लोगों के पास है। आपको आपत्ति है तो फिर मानिए कि प्रचार नहीं होता तो फिर क्या दिक्कत रही? आप कहेंगे बीजेपी पहुंच नहीं पा रही, दोनों आर्ग्यूमेंट्स तो हो नहीं सकते ना, एक तरफ कहना कि डिजिटल है नहीं और दूसरी तरफ कहना कि बीजेपी सबके पास पहुंच जाएगी। मन पहले बनाइए ना, क्योंकि आज देश में इंटरनेट बाकी सबके पास है, स्मार्टफोन बहुत लोगों के स्कूल का काम हो रहा है पिछले 2 साल से, लोगों का स्मार्टफोन के आधार पे, टैबलेट्स के आधार पे, कंप्यूटर्स के आधार पे। अब आई बात दूसरी बात जो छोटे दलों की बात है, छोटे दल अगर मैं कहूं तो आज हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक चैनल, कोई एक YouTube चैनल या कोई किसी का और एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म, छोटे छोटे लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं, दल भी ऐसे कर रहे हैं, तो ये सारी बहानेबाजी है। यदि लोग लेकिन नलिन जी सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, सॉरी सर आई एम इंटरप्टिंग यू, सुनिए नलिन जी लेकिन जिन पार्टियों ने जिनका रिसोर्सेज नहीं है, देखिए फैक्चुअली आपके पास एक बड़ी मशीनरी है, ये एक तथ्य है, ये डेटा है इसे लेकर, ये कोई एग्जेजुरेटेड क्लेम नहीं है। लेकिन कोई पार्टी जो नई पार्टी है और जिन पार्टियों ने इस प्लेटफॉर्म को बाद में अपनाया है, उनके कंसर्न्स भी तो वाजिब हैं, उनको भी तो एड्रेस करने की जरूरत है, उनके पास एक सर्टेन डिसएडवांटेज है और आपके पास एक सर्टेन एडवांटेज है नलिन जी। आपने अदिति जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं सीधा जवाब, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हम इसे स्वीकारते हैं, जनता को धन्यवाद कहते हैं कि जनता ने हमें ये आशीर्वाद दिया और हमारे सदस्य बने। दूसरी बात जो डिसएडवांटेज की आप बात करें, देखिए चुनाव एक प्रक्रिया है, हर दल से बातचीत हो रही थी जब चुनाव आयोग देख अपना प्रचार, मतलब किस प्रकार से चुनाव हो क्या हो, जब चुनाव से पहले अधिकांश दलों ने कहना शुरू कर दिया हम रैली नहीं करना चाहते क्योंकि कोरोना आया है। अब चुनाव आयोग ने कहा कि रैली मत करिए तो बहुत ये दल कूद पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि रैली क्यों नहीं हो रही है। ये तो मतलब अंग्रेजी में एक कहावत है ना, रनिंग विद द हेज एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, दोनों तरफ चित भी मेरी पद भी मेरी, ये कैसे हो सकता है? या तो ये दल पहले कहते हैं कि हम चुनाव नहीं चाहते हैं, ठीक है आप संविधान में देखिए कि चुनाव को कैसे स्थगित किया जाए, किसी रूप से कहिए, वो तो सुझाव किसी रूप से कहा नहीं। जब चुनाव के लिए सब बोल रहे थे कि हम रैली नहीं करेंगे और चुनाव आयोग उसी आधार पे अब कह रही है डिजिटल रैली करने, आज ये मुड़के कह रहे हैं कि डिजिटल क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, अब एक कमेंट जल्दी से गजेंद्र साखला, डिजिटल वे तो प्रियंका गांधी वाड्रा पहले ही चली गई। अजीज खान साहब प्लीज, उन्होंने एक भी कमेंट नहीं दिखा है अभी तक, उनका एक कमेंट हो जाए उसके बाद मैं आपको फ्लोर दे दूंगी। प्लीज गजेंद्र साखला जी, चुनाव आयोग के सामने भी मौका था, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा तो पहले ही डिजिटल पर डिजिटल के माध्यम से वोटर के साथ कनेक्ट करने की बात कर रही थी, अब कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है? कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सभी दलों को डिजिटल मीडिया के अंदर बराबर का मौका मिले, ये उनकी मांग है। ऐसा नहीं हो कि जिस पार्टी की सरकार है, रूलिंग है, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है उनको समय ज्यादा मिले, बाकियों को समय नहीं मिल पाएगा तो वो अपनी बात पूरी जनता तक नहीं पहुंचा पाएंगे, इस बात की चिंता है, इसलिए सभी लोगों को। साखला जी, एक और बात मैं आज आप सबसे समझना चाहती हूं कि हमने लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, और ये सवाल मेरा सारे सियासी दलों से है, थोड़ी देर पहले ये नलिन कोहली ने भी कहा कि जनता जनार्दन है, क्या सिर्फ डिजिटल प्रचार से ही पार्टी जीत और हार जाएंगी? ग्राउंड प्रेजेंस, ग्राउंड वर्कर्स, 5 साल का पुराना रिकॉर्ड, ग्राउंड पर आम वोटर के साथ कनेक्ट, वो कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ डिजिटल पर आप कितनी देर दिखेंगे इसी से जनता डिसाइड कर लेगी। साखला जी पहले आप, उसके बाद अंबेडकर जी और फिर डॉक्टर अजीज खान, प्लीज जल्दी जल्दी। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने साल भर तैयारी करता है आदमी परीक्षा देने के लिए, लेकिन परीक्षा के दिनों में जो पढ़ा जाता है वापस रिपीट किया जाता है, उस रिजल्ट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार 5 साल तक काम करते हैं
लेकिन चुनाव के समय में एक एक व्यक्ति को जाकर के 5 साल की गतिविधियों के बारे में संकलित करके बताते हैं, उसका चुनाव परिणाम में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति मानस बनाने के अंदर उन बातों को आकलन करता है कि अमुक पार्टी का व्यक्ति ये बात कह के गया है, उस व्यक्ति ने ये बात किया जाए। पेंडेमिक में आप चाहते रैली कराई जाए? हम नहीं चाहते रैली कराई जाए, हमने कब का रैली का, हम तो ये कह रहे हैं कि डिजिटल, जैसे चुनाव आयोग ने डिजिटल की परमिशन दी है तो सभी दलों को बराबर का बात कहने का मौका मिले। ये बराबर का मौका कैसे मिलेगा सर? समय मिले बराबर का मौका दे प्लीज। बराबर का मौका कैसे मिलेगा सर? कांग्रेस को भी मिले वो समय, समाजवादी पार्टी को भी मिले, वो बीएसपी को भी मिले, वो दूसरे दलों को भी मिले, सबको अपनी बात कहने का मौका मिले। समय निर्धारित सबका होना चाहिए, चाहे वो चैनल प्राइवेट चैनल हो चाहे दूरदर्शन चैनल हो, उन सब पर उसको टाइम मिले। सर तो वो टाइम तो आपको पहले से ही मिलता है सर, बस तो यही बात है, आपको पहले से ही मिलता है सर। इस डिस्कशन को ही उठाकर आप देख लीजिए, इस डिस्कशन को ही उठाकर देख लीजिए। लेकिन ये जो आपने टाइम टाइम की जिद लगाई है, मेरे सवाल का जवाब मुझे मिला नहीं। अंबेडकर जी, पवन राव अंबेडकर, जनता डिजिटल प्रेजेंस से ये डिसाइड करेगी कौन जीतेगा और कौन हारेगा? बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, डिजिटल से वो फीलिंग्स, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है जो हम फेस टू फेस या हम अपनी बात को जो है माउथ पीसिंग के थ्रू पहुंचा सकते हैं। डिजिटल कॉन्सेप्ट बेस्ट है, इसको हम लोग फॉलो करते हैं, बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो प्रधानमंत्री योजनाएं रही हैं, वो टोटली जो है फेल रही, जिसकी वजह से इस देश भर में जो डिजिटल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए था वो सही दिशा में पहला नहीं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड से आए हुए पैसे का इस्तेमाल करके, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो जनता तक पहुंच सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है कि लोगों तक जो है मोबाइल पहुंचा सकते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, आप आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप अजीज खान ने भी लगाया, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं। दर्शक देख रहे हैं, एक सेकंड सर, चिल्लाइए नहीं आराम से, मैं आराम से बात कर रही हूं आपसे। डॉक्टर अजीज खान, मैंने आपसे पहले ही कहा, पवन राव का कमेंट लेने के बाद आपका कमेंट लूंगी। पवन राव, मेरा सवाल डायरेक्ट है, मुझे उसका स्ट्रेट आंसर चाहिए। क्या डिजिटल से हार और जीत का फैसला होगा, हाँ या ना? नहीं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। जो छोटे दल है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो कैसे ना, यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। डॉक्टर अजीज खान, ये सवाल मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ नलिन कोहली से, ये सवाल मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ नलिन कोहली से। डॉक्टर अजीज खान, छोटे दलों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसका क्या फॉर्मूला है, वो अपनी बात को कैसे जनता तक पहुंचाने का काम करें? अंबेडकर जी रुकिए, पहले भी मैंने संदेह जाहिर किया था कि आईटी से जो बीजेपी के है बहुत मैनिपुलेटेड है। आप एक वीडियो, एक जरा एक पोस्टर देखिए, आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश के विकास की बात दिखाई जा रही है और ये कलकत्ता का फ्लाईओवर है, जरा हम चाह रहे जूम करके दिखाया जाए, और अमेरिका की फैक्ट्री है, आप देखिए कैसे इनका डिजिटल वर्ल्ड जो है कैसा इनका है, इनका आईटी सेल है। दूसरा आप देखिए, ये तेलंगाना की जो नदी है, डैम है, आप देखिए कृष्णा नदी की, ये उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल है। आप देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं ये कैसा ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, इस बात को समझिए, इनका आईटी सेल बहुत स्ट्रांग है। डॉक्टर अजीज खान, मेरा आपसे सवाल ये है, आप झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा, ये आरोप बीजेपी पे लगा चुके हैं, ये सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आपकी पार्टी के बारे में। आपकी पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको लगता है बीजेपी को टक्कर दे सकती है या नहीं दे सकती? आप छोटी पार्टियों को छोड़ दीजिए सर, छोटी पार्टियों का नाम लेना बंद कर दीजिए, आप अपनी पार्टी को लेकर जवाब दीजिए मुझे। देखिए, मैंने कहा बीजेपी के पास पैसा है, ताकत है, बीजेपी लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं, बीजेपी के पास क्या है वो आप छोड़ दीजिए सर, बीजेपी के पास क्या है वो अभी छोड़ देते हैं। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं सर, आपकी प्रेजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, अखिलेश यादव की प्रेजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कमजोर है, आप ये कह रहे हैं? हमने कहा हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कमजोर नहीं है, हमारे साथ जनता है, जनता हमारा डिजिटल है, जनता उत्तर प्रदेश में बदलाव का मन बना चुकी है, उसको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को जाना है। ठीक है, तो अब 18 मिनट बाद आपने कहा नहीं, हाँ हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कमजोर है और हमारा जनता के साथ भी कनेक्ट है, तो सर ये पूरी डिबेट में, ये पूरी डिबेट में करीब 20 मिनट बाद आपने ये ऐलान किया, पूरी डिबेट ही इस बात पर थी, ये पूरी डिबेट ही डिसएडवांटेज के आधार पर थी, और अब आप आके कह रहे हैं नहीं, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी स्ट्रांग है और हमारा जनता के साथ कनेक्ट भी स्ट्रांग है। नलिन कोहली जिसके बाद सर जवाब ले लीजिए ना, प्लीज जवाब ले लीजिए, ठीक 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 है सर, जनता होगी फिर तो डरने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए तो मैंने कहा कि जनता डिजिटल प्लेटफॉर्म देखकर वोट करती है क्या जी। नलिन कोहली, मैंने कहकर कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
दूसरी बात है, अखिलेश जी की पार्टी ने तो लैपटॉप पिछली बार दिए थे, यही तो डिजिटल काम है। तीसरी बात हम कहना चाहेंगे कि जो कहना कि सबको बराबर टाइम मिलना चाहिए, 70 साल में जब एक चैनल अकेला दूरदर्शन भी होता था उस जमाने में भी चैनलों पे भी टाइम जो मिलता था बोलने के लिए एज पर साइज ऑफ पार्टी मिलते थे, ये तो पिछले 70 साल से आ रहा है। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल गैर राजनीतिक, ये अपनी डिबेट अपनी जगह, धन्यवाद कि हमने सारे पॉइंट्स रखे, लेकिन आज के दिन हमें इस बात को भी अच्छे से स्वीकारना चाहिए, इसका धन्यवाद करना चाहिए प्रधानमंत्री जी का कि जो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो घोषित किया है, आज इतने शुभ दिन पर ये जो हुआ है घोषणा, हम सब अपने सिख भाई बहनों के साथ जुड़ते हैं और मैं मानता हूं कि पैनल के अन्य लोग भी साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि ये सिख समाज के लिए बहुत एक अच्छा एक इनिशिएटिव है और उनकी एक मांग जो है आज उसको पूरी की गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नलिन कोहली, गजेंद्र साखला जी, पवन राव अंबेडकर और डॉक्टर अजीज खान जी न्यूज के इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर लोकतंत्र में जिस पार्टी का कनेक्ट प्रेजेंस ग्राउंड पर होगी वो पार्टी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। अब देखना है आपके दिल में कौन सी पार्टी है, वो आने वाला वक्त बताएगा। हम जल्द लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ और खबरों के लिए आपको देखना है जी न्यूज। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।